सभी को नमस्कार। स्पिरिचुअल ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी का रहस्य, हनुमान जी के चरणों में कौन निवास करता है। शुरू करते हैं वीडियो। हनुमान जी से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी पहेली बने हुए हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है उनके चरणों के नीचे कौन निवास करता है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को परम भक्त और परम देव माना जाता है। वहीं हनुमान जी भी बड़े रहस्यमयी हैं। धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी से जुड़े कई रहस्यों का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शनिदेव को भगवान शिव ने कर्मदाता के रूप में नियुक्त किया था तो शुरुआत में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे शनिदेव को अपनी शक्तियों पर गर्व होने लगा, जिसने पृथ्वी के निवासी का रूप धारण कर लिया। उन्हें भयंकर क्रोध और अनावश्यक दंड के प्रकोप को जीतना पड़ा। इसी बीच हनुमान जी पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले, जहां उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अकारण और बिना किसी अपराध के शनि देव के कोप से परेशान ना हो। शनि देव के कोप का प्रकोप पृथ्वी पर मनुष्यों ने और स्वर्ग में देवताओं ने पैदा किया था। यह देखकर हनुमान जी शनिदेव से मिलने और उन्हें समझाने उनके लोग पहुंचे। हनुमान जी शनिदेव से मिले और उन्हें पृथ्वी और स्वर्ग का हाल बताया और शनिदेव से प्रार्थना की कि वे उनके क्रोध को शांत करें और किसी को अनावश्यक दंड ना दें। जो दंड के अधिकारी हैं उन्हें ही अशुभ फल दें। लेकिन शनिदेव अपनी शक्तियों के मद में इतने मग्न थे कि उन्हें अपनी भूल का आभास ही नहीं हुआ। उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया। हनुमान जी के समझाने पर भी उन्होंने विनम्रता के बजाय क्रोध में दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को उनकी गलती का एहसास कराकर सही रास्ते पर वापस लाने का फैसला किया। जिसके बाद हनुमान जी वहां पहुंचे। हनुमान जी और शनिदेव के बीच भीषण युद्ध हुआ। माना जाता है कि यह युद्ध कई महीनों तक चला था। शनिदेव की शक्ति क्षीण होने लगी थी। जब शनिदेव ने देखा कि हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हैं, तो शनिदेव वहां से भागकर एक स्थान पर जा छिपे। वहां पर शनिदेव को एक युक्ति सूझी कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों पर बल प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए वे स्त्री का वेश बनाकर हनुमान जी के चरणों में जाकर क्षमा याचना करने लगे, जिसके बाद हनुमान जी ने उन्हें अभयदान दिया। मान्यता है कि तभी से शनिदेव का हनुमान जी के चरणों में वास माना जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।